अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू HKG मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के ये सिखाने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपने वीडियो से जो है बैकग्राउंड नॉइज़ है, यानी वह आप लोगों का जो वॉइस है उसका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, आप लोगों ने किस तरह रिमूव करना है अपने प्रीमियर प्रो में। तो किस तरह रिमूव करना है स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, और आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखना है वीडियो को ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि इस तरह की एडिटिंग के हवाले से आप लोगों को अपडेट मिल सके। तो चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे सिंपली प्रीमियर प्रो को ऑलरेडी मैंने ओपन कर दिया है और सिंपली आप लोगों ने अपना जो वीडियो है, जिस वीडियो का आप लोगों ने बैकग्राउंड यानी नॉइज़ को ख़त्म करना है, तो सिंपली वही वीडियो का आप लोगों ने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो सिंपली मैं यहाँ से, मेरे पास एक वीडियो है, इसको यहाँ से मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपने टाइमलाइन पे, ये जो है ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने प्रीमियर प्रो के जो टाइमलाइन है इस पे आप लोगों ने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे आ गई है और अभी मैं आप लोगों के साथ ये प्ले करने वाला हूँ कि इसमें कितना नॉइज़ आ रही है। यहाँ पर फ़ैन की भी नॉइज़ आ रही है और यहाँ पर बहुत सारा नॉइज़ आ रही है। तो अभी मैं इसके यहाँ पर जो है ना, इसका जो नॉइज़ है इसको रिमूव करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने स्टेप बाई स्टेप देखना है वीडियो को। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो है ना, इस वीडियो को प्ले कर लेता हूँ और आप लोगों ने देखना है कि इसमें कितनी नॉइज़ आ रही है, और इसके बाद मैं यहाँ से इस वीडियो का जो नॉइज़ है इसको रिमूव करने वाला हूँ। पहले आप लोगों ने इसको देखना है कि इसमें कितना नॉइज़ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू HKG मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखा, तो आप लोगों ने किस तरह करना है अपने वीडियो को जूम कैसे करना है और अनजूम कैसे करना है, कुछ इस तरह का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप लोगों ने, अच्छा जी, आप लोगों ने सुन लिया है कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, फ़ैन की भी नॉइज़ आ रही है, जो ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप लोगों ने सिंपली इसका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको कैसे रिमूव करना है, सिंपली आप लोगों ने टाइमलाइन पे जो एक क्लिप्स है इस पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने ये ऑडियो है इस पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने देख सकते हैं अपने क्लिप्स पे, यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने देख सकते हैं डायलॉग्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने ये जो रिपेयर है इस पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है रिड्यूस नॉइज। तो सिंपली मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और इसमें आप लोगों ने कोई और सेटिंग भी करना है, मैं यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एनहेंस स्पीच, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे लो ट्यून, यहाँ पे देख सकते हैं लो ट्यून पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है और उसको स्क्रॉल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्ब भी देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं रिवर्ब पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से आप लोगों ने इसको ज़्यादा नहीं देना है। तो हमें यहाँ पे इसको सिंपली 1.3 कर लेता हूँ, इसको ज़्यादा नहीं देना है। अगर मैक्सिमम, अगर आप लोग मैक्सिमम देना चाहते हो तो आप लोगों ने 1.5 से इसको ज़्यादा नहीं करना है। इसको करने के बाद यहाँ से जो है ना क्लिप्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक मैं बढ़ा देता हूँ 2.4 तक। इससे आप लोगों ने और नहीं बढ़ाना है वरना आप लोगों का वॉइस यहाँ पे ख़राब हो जाएगा। इसको करने के बाद आप लोगों ने इसके और सेटिंग में आप लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं करना है वरना आप लोगों से ये जो आप लोगों का जो क्लिप्स का वॉइस है वो ख़राब हो जाएगा। इसको करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली एडिटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं दोबारा इसको प्ले कर लेता हूँ कि इसमें कितना यहाँ पे डिफरेंस आया है। तो मैं सिंपली इसको प्ले कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू HKG मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाऊंगा, अगर आप लोग वीडियो एडिट कर रहे हो प्रीमियर प्रो में और कुछ आप लोगों ने किस तरह करना है प्रीमियर प्रो में, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये, तो जिस तरह आप लोगों ने देख लिया है कि इसमें कितना डिफरेंस है और आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इसमें कितना डिफरेंस आया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना यहाँ पे किसी भी वीडियो का जो नॉइस है इसको यहाँ से आप लोग यानी रिड्यूस कर सकते हो, यानी इसको ख़त्म कर सकते हो। ये जो नॉइज़ है इसको आप लोग यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। आई होप अगर आप लोग ये वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह की एडिटिंग के हवाले से आप लोगों को अपडेट मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।